शीतल नाम की युवती का विवाह 22 नवंबर 2004 में उज्जैन में दुर्गा कॉलोनी गली नंबर 4 अंकपात रोड थाना चीमनगंज मंडी निवासी दिलीप जो कि ट्रेवल्स पर टैक्सी अटैच करने का काम करता है उनसे हुआ था। शुरू के 2 साल तो ठीक रहा, बाद में दहेज प्रताड़ना का दौर शुरू हो गया और गर्भवती बहू को ही ससुराल वालों ने घर से बाहर निकाल दिया। मामूली विवाद के बाद पति पत्नी में नहीं बनने के चलते वह मायके में ही रह रही थी। शीतल के पिता सत्यनारायण जाट ने थर्ड आई को बताया कि उन्हें शक है कि यह सब शीतल के ससुराल वाले करवा रहे हैं। यह सब कैसे हो रहा है यह तो नहीं मालूम, फिर भी विवाद के बाद उज्जैन वालों ने धमकी दी थी कि चैन से नहीं रहने देंगे। इन सब घटनाओं के बाद से ही पूरे परिवार सहित रिश्तेदार भी परेशान हैं। पीड़ित महिला को उसके पिता ने डॉक्टर को भी दिखाया लेकिन डॉक्टर भी इसका हल नहीं ढूंढ पाए और ड्रेसिंग कर दी। बावजूद उसके शरीर पर ब्लेड के कट में से खून निकलता है और तेज दर्द होता है। पीड़ित शीतल ने बताया कि उसे सपने में कभी किसी महिला या पुरुष का धुंधला चेहरा दिखाई देता है जो धमकी भरे अंदाज में कहता है, तो कितने ही तांत्रिक के पास चली जा तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, मैं तेरे शरीर पर घाव मार दूंगी और अगर किसी को बताया तो मैं तुझे और घाव दूंगी। दहशत के कारण उन्होंने अब तक मुंह नहीं खोला। वे जैसे ही किसी तांत्रिक या ओझा के पास जाते हैं तो क्रॉस की तरह कट लगने की घटना और अधिक बढ़ जाती है। पिछले 4-5 दिन से घाव पर घाव और दर्द सहन करना पड़ रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है कि यह सब आखिर कब तक चलता रहेगा। शीतल के परिजनों ने बताया कि घर में कई बार उन्होंने पायल की आवाज भी सुनी है, जब वहां जाकर देखते हैं तो उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। ऐसा कई बार शीतल भी महसूस कर चुकी है। पायल की तेज छमछम की आवाज उसके कानों में काफी देर तक बजती रहती है और उसे कुछ आवाजें भी सुनाई देती हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि तुझे हम चैन से नहीं रहने देंगे। शीतल की एक बेटी भी है। सत्यनारायण ने बताया कि कभी भी कटने के निशान केवल शीतल को ही हो रहे हैं।